Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. लगेज नहीं आई, बैगेज क्लेम में मैनेजर्स क्लेम किया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट अ रिसीव. पता चला जो टैग इन्होंने लगाया था वो टैग टूट चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट बैग मेरा जो है वो ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में ही रह गया है. आई एम डेफिनेटली गोइंग टू क्लेम द कंपनसेशन फॉर द एसेंशियल्स. भैया मेरे पास पहनने तक का गंदा कपड़ा नहीं है, एंड द टेम्परेचर हियर इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 1 degree एज ऑफ नाउ. दिन के टाइम पे रात में पता नहीं क्या होने वाला है. अभी निकलते हैं यहाँ कस्टम्स से, कस्टम्स से निकल के फिर फटाफट बस स्टैंड भागते हैं. Raining over here, Iceland airport के बाहर खड़े हैं. अभी रेकियाविक के लिए बस निकलेगी. जो वेदर है यहाँ का आप देखो काफी रंगीन है. कपड़े नहीं है गाइस, लगेज छूट गई है. ठंड में हालत खराब है, बारिश भी होना स्टार्ट हो गया, एंड मेरा लगेज भी नहीं मिला है. तो पहले तो कुछ यहाँ कपड़ा खरीदना होगा ताकि जी पाऊँ. दिस वॉज वेरी अनप्लान्ड थिंग. सारे प्लान का चौपट होने का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है. बस सामने खड़ी है, बारिश से दिखते नहीं है, फटाफट अंदर चलते हैं. सो गाइस फाइनली अब हम बस से चल चुके हैं फ्रॉम कैप्लाविक टू रेजावे. अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का जर्नी है. वी आर ट्रेवलिंग इन अ स्मार्ट बस जो कि एयरपोर्ट डायरेक्ट बस एजेंसी के नाम पे है. अगर आपको क्लैरिटी के साथ दिख पा रहा है तो एक्चुअली इट्स रेनिंग, एंड राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो द टेरेन व्हाट वी कैन सी इज ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर. जो भी यहाँ पे ग्रासेस एंड घास है वो सारे के सारे काला कलर में है. इट्स बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस. इवन यहाँ की जो मटिया है वो भी बिल्कुल काला कलर का है. बारिश बहुत तेज हो रही है, मौसम आज खराब हो चुका है, जिसके कारण आज हमें अपना नॉर्दर्न लाइट का भी प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा. बारिश एंड मौसम खराब होने के अलावे भी एक और बड़ा रीजन अब हमें मिल गया कि आई डोंट हैव एनी क्लोथ्स, नथिंग. एसेंशियल्स जो भी मेरे थे वो मेरे लगेज के साथ रह गया है. इनफैक्ट ड्रोन वो भी मेरे लगेज के साथ ही रह गया. लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जल्द से जल्द वो मिल पाए. इस स्मार्ट बस में जो फीचर्स है, वी हैव अ मल्टीमीडिया स्क्रीन एंड काफी खूबसूरत यहाँ पे व्यू है, जो की पानी के कारण शायद आपको समझ में भी नहीं आ पा रहा होगा. वी आर कनेक्टेड टू द बस फ्री वाईफाई. मैं जस्ट रेस्टोरेंट होटल में बहुत पेन में हूँ. मैं तो मेरा थंब जो है वो कह रहा है स्वेलिंग हो गई है पाँव में बहुत ज्यादा बिकॉज ऑफ वो लॉन्ग जर्नी. आई नीड सम रेस्ट. पाँव को रेस्ट चाहिए. एक बार होटल पहुँचते हैं लेट मी बी अ बिट कम्फर्टेबल. मेरी एंड जो हम करने वाले हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ होटल पहुँच के. फिलहाल के लिए आप ये देखो, आपको अगर दिख पा रहा है तो आप देखो इज एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ब्लैक इन टर्म्स ऑफ लाइक ग्रास एंड मड. मड बोलो या जो सॉइल बोलो, इट्स कम्प्लीटली ब्लैक. काफी खूबसूरत ये शहर है. आपको मैं दिखाना चाहूंगा राइट यहाँ कैप्लाविक है एंड यहाँ रेजाविक है. 2 kilometer और है. होटल है, बुक्ड है, वहाँ जाना है. आइसलैंड इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय ओशन. सो गाइस आपको मैं दिखाऊंगा ये खूबसूरत सा शहर जहाँ हम पहुंचे हैं आइसलैंड में रेजाविक शहर में. बस से उतर के वी हैव दिस फैसिलिटी जो कि हमें होटल पे ले जाएगा. बस स्टॉप नंबर 9 को उतरते हैं, बड़ा होटल खोजते हैं, फिर हमें जाना होगा कपड़े खरीदने के लिए ताकि हम ठंड में हम मर ना जाए. So we have arrived in our bus stand. पहुंच चुके हम फाइनली अपने होटल के पास के बस स्टैंड में. सामने आप देखो लेफ्ट साइड में जो ट्रेन दिख रही है वहां से ओशन स्टार्ट हो जाता है. काफी ठंड है यार, मर जाऊंगा मैं इस हालत में. Let me check into the hotel. अभी होटल के अंदर चेक इन करके हम आगे बढ़ रहे हैं. दिस इज द शेड किचन, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे हम कुछ खाना बनाते हैं. एंड दिस इज द की फॉर द रूम. द रूम इज 304. सो दिस इज माय रूम. लेट मी स्विच ऑन द लाइट. दिस इज द बेडरूम. ये हमारा 3 दिनों के लिए स्टे है, यही हम रहने वाले हैं. एंड अभी बैग अनपैक करके फटाफट पहले भागते हैं कुछ खरीदने के लिए. दिस इज द व्यू ऑफ आउटसाइड. यहाँ से हम निकल चुके हैं. I am actually out for the shopping of the essentials. See that bill? इस बिल के जस्ट सामने में ही मेरा रूम है. And we have a nice place to sit here and hang around. यहाँ का जो कल्चर है ये ई
इलेक्ट्रिक बाइक्स की कल्चर है, लोग ई बाइक्स लेकर यहाँ ट्रैवल करते हैं और घूमते हैं। तो गाइस बारिश आप देखो कुछ ही नहीं रहा है, बट हमें कपड़ा तो लेना है। दिस इज अ प्लेस आइस पे द ब्रांड एंड काफी कॉस्टली ब्रांड है ये यहाँ पे, जो यहाँ जो अभी तक समझ में आई है। एंड ऐसे भी यू नो यूरोप इज नॉट चीप। तो हमने अभी जस्ट खाना कंप्लीट किया एंड वी हैव स्टार्टेड प्लेइंग कार्ड्स। आप देखो हमने कुछ अभी यहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाए एंड यू नो नए फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलने का एक अलग ही मजा है। इट्स टाइम टू द बेड, सोने जा रहे हैं अपने इस कमरे में सारे गैजेट्स को चार्ज में लगा के। एंड आप देखो कल मॉर्निंग में हम बहुत इंटरेस्टिंग सारी चीज़ें करते हैं एंड होपफुली कल मुझे मेरा लगेज भी मिल जाएगा तो आई कैन चेंज माई क्लोथ। आज जो हम कपड़ा खरीदने गए थे बेसिकली द विंटर वेयर्स, वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने आज नहीं ख़रीदा कुछ। मे बी कल मॉर्निंग में मैं कुछ शायद ख़रीद लूँ बिकॉज काफ़ी रात भी हो गया था यहाँ पे एंड शॉप्स भी बंद थे, एक ही शॉप को मैं चेक कर पाया। आज के लिए यही, बाय बाय, सब बखैर।